यह पांच औषधियों से बनाए आपका सेक्स लाइफ बेहतर। ये पांच कॉम्बो औषधियां मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपकी सेक्स पावर बढ़ सकती है और आपका सेक्स लाइफ बहुत अच्छा बन सकता है। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गयकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमारे देश में सेक्स के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, लोग खुला बोलते नहीं हैं, लोग शर्माते हैं। किसने कुछ बोलना चालू किया तो बोलते यार बहुत ही फजूल की बात कर रहा है और बहुत चीप बात कर रहा है, ऐसी बातें लोगों में करते हैं क्या वगैरह, ऐसा बोल के उसको चुप किया जाता है। इसकी वजह से फिर लोग बोलते भी नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है और इलाज भी नहीं करते हैं। फिर चुपचाप से नीम हकीम बाबाओं के पास में जाएंगे, उनके चक्कर काटेंगे, वहाँ से कुछ दवाई लेंगे, चुपचाप इलाज करेंगे और वहाँ फंसे जाएंगे। क्योंकि ये जो नीम हकीम बाबा जो है या ऐसे कोई डॉक्टर है जो खुद को डॉक्टर कहलाते हैं, जो डॉक्टर भी नहीं है, वो 20,000, 25,000, 50,000 ऐसा कुछ भी उनसे ले लेते हैं और फ़ायदा तो कुछ भी होता नहीं है। एक्चुअली सेक्स पावर बढ़ाना है तो अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी ना, मतलब जैसी ऊर्जा या एनर्जी जो है अपने बॉडी में, एक्चुअली उसको ही सेक्स पावर कहते हैं। जितनी ज़्यादा ऊर्जा उतनी ज़्यादा सेक्स पावर, क्योंकि आपके पास में ऊर्जा हो तो सेक्स पावर आएगी। एक 1.5 किलोमीटर आदमी यदि चलता है ना, 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर चलने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उतनी ऊर्जा एक सेक्स करने में लगती है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब काफ़ी कैलोरीज भी खपती है उसमें, खपत होता है ना कैलोरीज का। तो फिर सेक्स पावर बढ़ाना है मतलब ऊर्जा बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए तो वो बताने वाला हूँ। इसके बारे में गलत फहमियाँ हैं और फिर क्या होता है कि एक्चुअली सेक्स करने के समय उनके दिमाग में गलत फहमियाँ जो है उसके विचार आएंगे, अरे मेरा तो छोटा है, मेरा तो दुबला है, मेरा तो पतला है, ऐसे कुछ तो भी विचार आते जाएंगे, विचार मन में आएंगे और फिर वो खुद के ऊपर का भरोसा उनका उड़ जाता है, कॉन्फिडेंस निकल जाता है और सेक्स नहीं कर पाते। कुछ लोग तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा ये सोचने से ही जल्दी उनका पतन हो जाएगा और आगे वो बढ़ नहीं सकेंगे, ढीला हो जाएगा। तो ऐसे इसमें काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है और हमने स्पेशल काउंसलिंग का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें आपको काउंसलिंग करवाते हैं, दवाई देंगे, दवाई के साथ साथ काउंसलिंग करवाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो नंबर दिए है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, लिंक दिए उसके ऊपर जानकारी ले सकते हैं। तो पांच ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं कि जो दवाइयाँ आप खाने से, जिनका कॉम्बो आप इस्तेमाल करते, कॉम्बो एक साथ पांच खाते हैं तो देखो बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी, बहुत सारी सेक्स पावर आएंगे और आपका सेक्स लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम काउंसिलिंग। तो नंबर एक ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा की कोई भी आप आयुर्वेदिक दुकान पर जाएंगे तो आपको ये सब मिल जाएंगी दवाइयाँ। तो अश्वगंधा जो है वो सेक्स पावर बढ़ाने में बहुत कारगर है। एक चम्मच अश्वगंधा की पाउडर लेना है, चूर्ण लेना है, उसको शहद के साथ में मिलाना है, या आधा कप दूध लेना है उसके साथ में, वो गुनगुना दूध है उसके साथ में, वो खाना खाने के बाद में लेना है, दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम को। नंबर 2 शिलाजीत। शिलाजीत के कैप्सूल मिलते हैं 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम के, दिन में 2 बार आप कैप्सूल गाय के दूध के साथ में यदि आप लेते हैं खाना खाने के बाद में सुबह शाम, तो शिलाजीत ये कॉम्बिनेशन में बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3 सफ़ेद मूसली। ये भी इसकी पाउडर मिलती है 1 चम्मच 2 बार दूध के साथ में खाना खाने के बाद में आप सफ़ेद मूसली लेते हैं तो इसका भी बहुत फ़ायदा होता है। ये सब कॉम्बिनेशन में आपको लेना है एक के पीछे एक। नंबर 4 त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण जो है ना वो आंवला, बहेड़ा और हरड़ से बनता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन त्रिफड़ा, इसलिए ऐसा बोलते हैं उसको कि तीन चीज मिला के त्रिफड़ा चूर्ण बनता है। त्रिफड़ा चूर्ण एक्चुअली वजन कम करने के लिए लोग लेते हैं, शौच मतलब लैट्रिन साफ होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए इसलिए लेते हैं, यौन शक्ति बढ़ाने में भी त्रिफड़ा चूर्ण का फायदा होता है। 1 चम्मच शहद के साथ में 2 बार खाना है, सवेरे नाश्ते के बाद में लेना है और रात को खाना खाने के बाद में लेना है, उसका बहुत फायदा होगा। ये भी चौथा है
और पांचवा जो है वो कौंच बीज चूर्ण, ये कौंच बीज चूर्ण भी मार्केट में मिलता है, आयुर्वेद दुकान में मिलेगा, एक चम्मच दिन में दो बार दूध के साथ में खाना खाने के बाद में ये भी लेना है। तो ये पांच चीज़ें आप कॉम्बो में लेते हैं एक साथ में तो बहुत ऊर्जा बढ़ेगी, सेक्स पावर बहुत अच्छी होगी, आप ज़्यादा टिक भी पाओगे बेड पर और आप ज़्यादा अच्छा लाइफ एंजॉय भी कर सकेंगे। तो इसमें है नंबर एक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर एक है अश्वगंधा, नंबर दो है शिलाजीत, नंबर तीन है सफ़ेद मूसली, नंबर चार है त्रिफला, नंबर पाँच है कौंच बीज। अब इसके साथ साथ बाकी भी ज़रूरी है, जैसा कि हरी सब्जियां खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, तरबूज से मतलब खाने में ये चीज़ें रखे तो डेफिनेटली नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ती है तो खून बढ़ जाता है लिंग में और उससे कठोरता बहुत अच्छी आती है। तो ये तो खाने का हो गया, उसके साथ साथ आप डेली एक्सरसाइज करना, नींद अच्छी लेना 7-8 घंटे की, खुद को तंदुरुस्त रखना, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना, ये चीज़ें आप करते हैं और तंबाकू शराब का सेवन नहीं करना तो डेफिनेटली आपकी सेक्स लाइफ अच्छी हो जाएंगी। काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, काउंसलिंग मतलब एक तो गलत फहमियाँ निकालने के लिए काउंसलिंग है और दूसरा पति पत्नी का एक साथ में मेल जोल रहना उसके लिए काउंसलिंग जरूरी है। तीसरा जो अपने बिलीव्स है अंदर के बैठे हुए गलत बिलीव्स, तो वो गलत बिलीव्स को साफ करने के लिए भी काउंसलिंग का फायदा होता है। और चौथा कुछ मानसिक आघात हुआ है, चोट पहुंची हुई है मन को जिसके वजह से सेक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बैड मेमोरी डिलीशन जो है उसके लिए ये काउंसलिंग का फायदा होता है। जब सब करते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।